वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज मौसम खराब हो गया जी, बहुत तेज हवा चल रही सी इस तो पहला, हुण बस कणियां पैन लग गईयां जी थोड़ी थोड़ियां, ते बारिश आऊगी क्योंकि गर्मी बहुत पै रही सीगी जी, ज़्यादा गर्मी पैन करके फिर लग ही रहा सी भी बारिश आऊगी। ये देखो जी हवा फिर कितनी तेज होगी, ते हवा दे नाल नाल फिर मिट्टी भी उड़दी है जी, क्योंकि पिंडां च फिर कच्चे वेड़े होण करके मिट्टी बहुत हो जाती है। हुण हल्की हल्की कणियां भी स्टार्ट हो गई जी। इधर जी अपनी रेड़ी भी बाहर खड़ी है, हुण मीह आने वाला, इनू भी अंदर कर दांगे नहीं फिर ये सारे कख भिज जाणगे। प्रतीक प्रतीक रेड़ी अंदर कर दे। हाँ जल्दी कर, मीह आ गया। चल कोई ना खड़ा दे, ला दे शटर भी अंदर, मिट्टी चल जानी सारी। इधर डैडी जी मज्जां नूं बाहर कढ़ रहे ने जी, पहला एकदम कणियां आन लग गईयां सी पर हुण कणियां रुक गईयां। हाँ जी अज कल कणकां दी वढाई होण करके इलैक्ट्रिसिटी भी घट आउंदी है जी, ते घट लगदे ने क्योंकि कई बार अग लग जाती है खेतां च, ते किसानां दी 6 महीने की मेहनत है जी सारी खराब हो जाती है, करके इस नुकसान तो बचण लई फिर जिहड़ी हैगी है इलैक्ट्रिसिटी वह घट दिंदे ने जी, इस करके जी इलैक्ट्रिसिटी दे घट लगदे ने। अपने घर आ गई जी रात, हुण आपां प्रसाद बनावांगे। पहला बजुर्ग अपने मतलब जद कणक की वाढ़ी मतलब पहला वढ़दे हुंदे सी, हुण तां मशीनां आ गईयां, अगे तो तकनीकां वधदियां जा रहियां जी, पहला भार हुण भी कुछ लोग करदे जी एवें हथ नाल वढ़ा के भार बन्न के जी उहनूं दूए फराटा हुंदा जी, इक उहचों कढ के तूड़ी बनदी है, इह मतलब पहला मशीन वढ़ दिंदी तूड़ी बाद च बनदी है। इस खुशी च पहला भी दाती भी लगदी हुंदी जद प्रसाद बनांदे थे जी, हुण अपने घर कणक आ गई जी, हुण आपां फिर प्रसाद बनावांगे जी। चलो आपां गैस चलांदे देसी घी दा प्रसाद बनावांगे, इह आपां सिंपल ही बनावांगे क्योंकि दाखां नहीं पाउंदे इह च, आटे दा ही बनाउंदे हुंदे सी बजुर्ग, आपां वी आटे दा ही बनावांगे। इह आपां ने जी नारियल दा कद्दूकस करिया होया बरादा जिहा लिया जी, इह ही पावांगे जी आपां, इह नाल बड़ा टेस्टी लगदा प्रसाद। हुण पावांगे जी देसी घिओ,
देखो जी अपना आटा ब्राउन हो गया जी, इस आप चीनी पा देंगे जी। आ देखो ब्राउन हो गया जी, चीनी अपने पा दी जी। हूँ ये पोपे का कद्दूकस करया हुआ नारियल का दादा जहाँ पा देंगे। हूँ पा देंगे जी पानी, अज मौसम बहुत खराब हो रहा है जी, बदल बहुत ज्यादा होया हुआ जी। परमात्मा सब की फसल घरे ले आवे जी, फिक्र पिया पिया जी सब नी सा फसल घर आ जाए, क्योंकि अज बहुत ज्यादा बदल बहुत मतलब लसक भी रहा जी थोड़ा थोड़ा। देखो जी कितना सोहना बनया अपना प्रसाद, ब्राउन ब्राउन बहुत वधिया बन गया जी। हाले मौसम भी आता सोहना हो जी, बदल जे चा और भी चंगा लगता है जी मिठा खाण नूं। लो जी आपां कौलियां च पावांगे मम्मी ते डैडी वास्ते, ठंडा हो जूगा जी फिर दवांगे जी। डैडी तो बहुत शौक है जी खाने का प्रसाद, मतलब हूँ बीपी ज्यादा वध है जी इस करके थोड़ा घट ही खाते हैं। आ पाता है ठंडा हो जाऊगा तो मम्मी डैडी दोनों दे देंगे बच्चों का भी पा देनी है। चलो ठीक है जी, अगली वीडियो च फिर मिलेंगे। परमात्मा सब का भला करे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ले जाएंगे झारा लगा के झारे वाली कणक कुआड़ नहीं होंगे, थोड़ा बहुत गोरी गंदा वगैरह रह जाता फिर तरीका कर लगा ढोर के दवाई पानी चाहिए है, दवाई पाने की लड़ नहीं तो झारा लग गया तो आप ढोल के बच्चे इदा ही दवाई तो बगैर कण खवा देंगे और साफ रहती है सारा साल। आ देखो एक बार मंडी में बहुत बुरा हाल है, तीन तीन रुपये जमींदार बैठे दिन हो गए बैठे हैं, बारदाना नहीं है, चारा लग गया अपना बोलियां भट्टी नहीं हुई है जी। चलो ठीक है जी, अभी आप जो ढोल भर के फिर दिखावे ले जाके ट्राली। हूँ अपनी कणक घर आ चुकी है जी, पहला तो डैडी ने मंडी च दिखाया सी, वह मंडी च चारा लगवा के लैके आए हैं जिमें कि तुम्हें पिछले डैडी जी ने दसिया है जी भी जो आप चारा लगवा लें तो आपूँ दवाई पाने की लड़ नहीं पैंती कणक च, क्योंकि ये साफ हो जाती है जी। दवाई आप पा लें क्योंकि कई बार की होंगे जी कणक न सुसरी लग जाती है जी, तो करके फिर जो अपने चारा लगवा लिया तो अपन दवाई पाने की लड़ नहीं। हुणे हुणे बाबा जी ने अनाउंसमेंट की है जी, जिहड़े अपने किसान वीर दिल्ली बॉर्डर ते धरना दे रहे ने जी तीन किसानी बिलों के खिलाफ, उन्होंने जी उत्थे दुध की सेवा ते जां किसी ने राशन पानी कोई भी सेवा करनी हो श्रद्धा मुताबिक वो कर सकदा जी, क्योंकि अपने किसान वीर खड़ना ते उन्हां दी मदद करना जी अपना फर्ज है। वह बेचारे उत्थे बैठे ने ते वह अपने हक्कां लई लड़ रहे ने, असीं इही आस ते अरदास करते हैं कि वह जल्दी तो जल्दी अपने घर आ जाण ते वह किसानी बिलों के खिलाफ वो जित प्राप्त करन।
हुण क्योंकि जी किसान 6 महीने अपनी फसल नू चंगी तरह उहदी राखी करदा है ते फिर उहनू हारवेस्ट करके भी उह जदों मंडियां वगैरह च जांदा है तां उहनू रुलना ही पैंदा जी एक तरीके नाल। ते किसानां दी जिहड़ी पुछ है जी दिनों दिन घटदी जा रही है ते हुण तां आपां देख ही रहे हां भी किन्ना माड़ा हाल है मंडियां च भी ते वैसे भी जिहड़े 3 बिल आए ने उहनां दे खिलाफ भी किवें प्रदर्शन चल रहा है। सो इस करके यही है भी किसानां नूं जिहड़ा है वध तों वध आपां सपोर्ट करिए क्योंकि वह बेचारे मिट्टी नाल मिट्टी हो के पूरे दुनिया का जिहड़ा आपां कह सकदे हां वी ढिड भरदे ने अन्नदाता उहनां नूं कहा जांदा है जी। हुण भी जी कणक नूं 10 अप्रैल नूं मंजूरी दे दित्ती गई सी जी सरकार वल्लों भी मंडियां च लिआउण दी ते पर हुण भी आपां देखदे हां लगातार न्यूज़ 'च भी देखदे हां ते आपां नूं आप भी पता है जिवें कि डैडी जी भी जाके आए सीगे मंडी 'च पता है आपां नूं किवें दा हाल चल रहा है। किसान 10 अप्रैल तो जी उत्थे ही बैठे ने जी कईआं दी कणक तां हुण भी नहीं विकी ते उह बेचारे एवें ही खज्जल खुआर हो रहे ने ते उत्थे कोई भी सहूलत नहीं हुंदी जी मच्छर बहुत हुंदे ने रात बरात नूं बहुत औखा है उत्थे रहिणा पर किसानां नूं अपनी फसल करके उत्थे रहना पैंदा है जी। असीं रब अगे यही अरदास करदे हां जी जिहड़े किसान वीरां दी जिहड़ी कणक है उह अजे नहीं विकी उह जल्दी तों जल्दी विक जाए ताकि क्योंकि मौसम खराब हो जांदा कई वार फिर जिहड़ी उहनां दी सारी फसल है उह खराब हो जूगी जी। बहुत भारी नुकसान है जी एक किसान लई उहनूं ही पता है कि उह किवें एक खेत 'च अपनी फसल नूं उगांदा फिर उस तों बाद जदों इन्नी निराशा का सामना करना पैंदा है जी चाहे वह फिर मौसम खराब होने करके होवे चाहे फिर सरकार की लापरवाही करके होवे तां करके जी असी यही उम्मीद कर रहे हैं भी सारे दी फसल है जड़ी जल्दी तो जल्दी विक जाए ते ओहो अपने घर वापस आन। दिल्ली किसान वीर जिहड़े बैठे ने वह भी जल्दी तो जल्दी अपने घर वापस आन जी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।